जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आखिरकार 500 सालों के संघर्ष के बाद 2020 में पूरी संवैधानिक पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। दोस्तों, यह संघर्ष 1528 से चला आ रहा था। न जाने कितनी पीढ़ियां इस संघर्ष को जीते हुए चली गई। दुनिया भर में लोग भगवान राम को खुद से जोड़कर देखते हैं और आज भी अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, म्यांमार हो या थाईलैंड, यहाँ रामायण का आयोजन पूरी धूमधाम से होता आ रहा है। दोस्तों, अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, उसे तोड़ना हो, तो उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करे बिना यह काम नहीं हो सकता। यही सोचकर विदेशी आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़ डाले, जिनके अवशेष आज भी आपको दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, यह बड़ी विचित्र सी बात है। भारत का एक वर्ग उज्बेकिस्तान से आए आक्रांतों को अपना खलीफा मानता है और बाबर को पूछता है। दोस्तों, यह वैसा ही है जैसा यहूदी हिटलर को अपना हीरो माने और अमेरिका ओसामा बिन लादेन को। दोस्तों, जो संघर्ष हमने लड़ा, यह संघर्ष 1528 से चला आ रहा था, जिसमें 76 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, किस लिए? क्योंकि वह भगवान राम को भारत का केंद्र बिंदु मानते थे। आज़ादी के बाद यह दूसरा मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण हुआ है। इससे पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन दोस्तों, राम मंदिर बना भी नहीं है और उसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग हो रही है। यह दिखलाता है कि उनको भारतीय संस्कृति के प्रति कितना सम्मान है। खैर दोस्तों, आज वह समय है जब भारत के साथ साथ पूरा विश्व राम मंदिर के निर्माण का स्वागत कर रहा है। पर हाँ, जब जब भारत भूमि में यज्ञ महायज्ञ हुए हैं, तब तब राक्षसों ने में कलह जरूर डाली है और आज भी यह राक्षस कुल किसी और नाम भेस में अपना वही कार्य कर रहा है और करते रहेगा। दोस्तों, हम कई सालों से युगों से रावण के पुतले को जलाते आ रहे थे, लेकिन क्या किसी ने राम को युवाओं तक पहुंचाने की बात सोची? दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान राम के चरित्र को हर युवा के दिलों में बसा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री।